तो हाँ जी दोस्तों, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे। तो आ गए एक और न्यू व्लॉग के साथ। तो गाइस, कल जो मैंने अब वीडियो डाली थी अपनी चीनी और देसी पट्टे के बारे में, तो उसके बारे में पूछ रहे थे कि मैं देसी पट्टे को कौन सी डाइट देता हूँ। तो भाई, आप लोगों के सामने ही होता है ना, तो मैं कभी कुछ छुपाता तो हूँ नहीं, आपको पता है। जैसे कि तो उसको मैंने कोई डाइट नहीं दी, ठीक है। तो नॉर्मल जैसे ही चल रहा है वैसे ही चल रहा है, सफाई लगाई थी, ठीक है, वैसे ही चल रहा है। अब जब उसको मैं अच्छी खुराक देना शुरू करूँगा, तब उसकी सफाई फिर से लगाऊंगा एक बार, ठीक है, प्रॉपर खुराक देने के लिए। और तब मैं जो खुराक दूंगा आपको पता है, ठीक है, कौन सी दूंगा। वैसे अगर आपको खुराक देनी होती है, ठीक है, 7 से 8 मंथ के ऊपर के पट्ठे को, आपको पता है क्या क्या मैं बोला है, ठीक है, बादाम, चने का आटा, सोयाबीन का आटा, ठीक है, चने मतलब काले चने जो होते हैं ना, वो उसका आटा, और एक हो गई हरी मूंगी। ये 4 चीज़ें आपको डालनी, और कुछ चीज़ डालने की ज़रूरत नहीं, और अपने हिसाब से उसको मिक्स करके ना जितनी आपको देने का मन करता है दे सकते हो आप, ठीक है। तो दोस्तों, छत पे आ गए हैं, ठीक है, धूप हो रखी है अभी भी पूरी, पर 4:30 हो गए हैं। तो मौसम में मतलब अब ऐसा हो गया, धूप तो है पर इतनी गर्मी नहीं लगती, ठीक है, तो इसलिए हम जल्दी 4:30 बजे खोल देते हैं अब। तो इनको खोलते हैं, ठीक है। जो गब्बर का अपना जो पट्टा है उसको मैं ऊपर ले आया था, तो आपको दिखाता हूँ अभी अच्छे से, ठीक है। पूरा गब्बर जैसे ही हो रखा है वो भी। तो ये देखो भाई, पहले देखा ही हो गया आपने, 2-3 हफ्ते पहले इसकी दुम कितनी छोटी थी ना, नहीं आ रही जो, अभी तो भाई बहुत खूबसूरत हो गई है दुम इसकी, प्रॉपर लेके आ गया है। तो प्रॉपर जो भाई काले जावे होते हैं ना, जो वो चीज़ आई, ठीक है, प्रॉपर काला जावा, चेक करो ये डंडे दुम। हाइट भी यार इसकी तब तो बहुत अच्छी हो गई है। अब दिखेगा अच्छे से, और ये चेक करो, अब बॉडी स्ट्रक्चर ही बहुत खूबसूरत है यार इसका, बहुत खूबसूरत है यार बॉडी का, इसका जो स्ट्रक्चर है ना, देखो अभी 6 महीने का हो चुका है, ठीक है, साइज़ कर लिया है 6 महीने के हिसाब से, साइज़ ठीक है, बस बॉडी वैसी नहीं बनाई, तो वो बना लेगा, उम्मीद तो यही है। क्योंकि आपको पता है इनकी ग्रोथ होनी शुरू ना बहुत लेट हुई थी, पहले तो जब छोटे छोटे से थे तो इनकी ग्रोथ रुक गई थी ना, अभी तो फिर से इन्होंने ग्रोथ करना शुरू कर दिया है। पट्टी भी बहुत छोटी थी, अब तो पट्टी भी बढ़िया हो गई है। तो दोस्तों, बाजरा और कनक डाली है, कनक थोड़ी सी बची है, तो सबको बाजरा शुरू कर दिया। इसमें हल्का सा पानी डालना है, और इसमें मैंने कैल्शियम भी डाल दिया, ठीक है, ये और प्रोटॉन भी डाल दिया। इसको पहले थोड़ा सा पानी भी डाल दूँ, क्योंकि कैल्शियम में थोड़ा सा पानी डालना ज़रूरी होता है भाई, पानी बस। तो अब इसको मिक्स कर देता हूँ अच्छे से। देखो नीचे चला जाता है कैल्शियम ना, नहीं तो पानी के साथ ऐसा सारे दाने में लग जाता है ये। तो चीना खोल दिया, अभी लगेगी इसकी तैयारी, ठीक है। तो बाकी ये पट्टियाँ भी खोल दी है मैंने, आपको जैसे पता है सुबह तो खोलता नहीं, अभी खोल दी है, छोटी पट्टियाँ भी खोल दी है, और हाथ धो लूँ यार। तो अब यार ये सुधर जाएंगी अपने आप, खोलता नहीं ना मैं इसको पट्टों के साथ, तो वरना पट्टों के तो इसने आपने देखा ही था, मतलब पट से ना जो अपने देसी के पर खा लेते, अभी सही हो जाएंगे अपने आप। और बाकी यार ये पट्टी दुम झाड़ के फिर लेके आ रही है, बाकी ये वाली पट्टी तो पूरी सर पर हो गई अपनी, वाइट डंडो वाली ना, पीले डंडो वाले के थोड़े से जो दुम है वो रह गई है, और गर्दन से हल्का सा रह गया आगे से, बाकी ये तो पूरी सर पर हो गई है। तो ये आ गया देसी, तो भाई ये कोई डाइट नहीं खा रहा, ठीक है, बस दाना खा रहा है, क्योंकि जो खिलाता हूँ यार आपके सामने ही खिलाता हूँ, सुबह खोलता हूँ तब भी आपको दिखाता हूँ दाना खा रहा है, शाम को खोलता हूँ तब भी आपको दिखाता हूँ दाना खा रहा है। चौड़ा तो हो गया भाई ये तो, ये बात तो मैं भी मानता हूँ, ठीक है, बढ़िया हो गया, पहले से बस गर्दन रह गई झाड़ में, अभी भी गर्दन जैसे झाड़ देगा ना फिर प्रॉपर अच्छा हो जाएगा। तो चीने के साथ दोनों मुर्गियाँ खोल दी है, ठीक है, जो इसके साथ बंद होती है एक ये, ठीक है, और अपनी वो दूसरी काल नुके वाली, ये है तो ये भी काल नुके वाली, पर इसकी माँ जो अलग है, ठीक है, और इसकी माँ जो अलग, इसकी माँ जो है वो अपनी मतलब ब्रीड में से है, और इसकी माँ थोड़ी बाहर की है, ठीक है, बाहर में से आई थी, बाहर से आई थी, तो उसी ने इसलिए इसमें, ठीक है, और इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है दोनों में।
मेरे कहने का मतलब ये इनब्रीड है, ठीक है, ये इनब्रीड होके बनी हुई है और ये बाहर की मुर्गी के साथ बनी है, ये सीन है। तो ये देखो, ठीक है, और इसको देखो कैसे बैठा है अपनी माँ के ऊपर चढ़ के, ये मतलब चढ़ के बैठा है, बैठी है अभी, तो मेरे को भी नहीं पता भाई क्या है क्या नहीं, बाकी जो भी है देखो कैसे बैठ गया, देखो लो। तो चेक करो यार पट्ठा, ठीक है, ये भी देखो इसकी माँ और अपनी देसी की माँ ना, इसकी इन दोनों की माँ सेम है, आपको पता ही है कालनों काल के पट्ठे हैं दोनों ये, ठीक है, पर बस बाप की वजह से देखो चेंज कितने होंगे ना, बंधन कितनी चेंज है, इसकी पूरी बॉडी ऐसी है जैसे अभी से मतलब होते हैं ना, जैसे एक अपने से पिटबुल डॉग देखे उनकी बॉडी का स्ट्रक्चर एक एक दिखता ना, इसकी बॉडी वैसी है, और ये थोड़ा सा नॉर्मल है, जैसे कि किसी को पता ना लगे कि इसके अंदर कैसी गेम है, ये उस टाइप का बना हुआ है कि एकदम शरीफ ढीला ढाला देखने में लगे जैसे कि हाँ भाई समझो, और ये है बॉडी बिल्डर टाइप वाला, इसका बॉडी का स्ट्रक्चर देखना आप, जैसे बड़ा हो जाएगा ना और एक बार साल का हो जाए उसके बाद इसकी बॉडी का स्ट्रक्चर देखना क्या मतलब मस्त बन के आएगा इसकी बॉडी का स्ट्रक्चर। इनमें ऐसा डिफरेंस का कारण भी मैं आपको बता देता हूँ, जो अपना ये देसी है इसका बाप भी ठीक है पंजाबी ब्रीड में से, माँ तो है ब्रीड पंजाबी में से, जो अपना गब्बर है मैंने आपको बताया वो यूपी से आया था अपने मेरे भाई को, ठीक है, गिफ्ट में, तो यूपी में यार मोस्टली ना जो ब्रीड है ना वो मद्रास की है, ठीक है, तो ये मद्रास प्लस पंजाबी ब्रीड मिक्स हो गए ना जब क्रॉस हुई ना तब जाके ये ऐसी चीज़ बनी है, ठीक है, तो ये डिफरेंस करके इसका जो बॉडी स्ट्रक्चर है इसके अंदर जो गेम है अभी से हमें जो देख के हमें पता लग रहा है, ठीक है, आगे जाके वो चीज़ रहेगी कि नहीं रहेगी, वो चीज़ दिखेगी कि नहीं वो अलग बात है, बाकी जो हमें दिख रहा है ना तो पता लग रहा है उस चीज़ से। इसे देखो ये डाकू पे कैसे चौड़ी हो रही है, ओ सॉरी देसी पे अपने चलेगी अभी, तो जैसे कैमरा निकाला चौड़ी हो रही है, पूरी मस्ती ले रही है अपने ये देसी के ऊपर ना, पूरी मस्ती ले रही थी, तो किंग खुला हुआ है, चीनू तो आ गया अंदर, तो इसको दाना लगाना है, इसने तो खा लिया, मादी ने नहीं खाया क्योंकि इसको भगा रही थी अपनी वो कलनों की वाली, तो यार बच्चे ना ये अगर इसके साथ आ गए ना तो मेरे को लगता है चीना तो कुछ नहीं है, चीने से भाई बहुत ऊंचे ऊंचे बच्चे बनाएगी, क्योंकि इसका बाप की हाइट भी बहुत है, ठीक है, कालनोके वाला, और इसकी माँ की हाइट भाई प्रॉपर वो अपने चीने जितनी होगी ऐसी है, वो भी इतनी तगड़ी है वो, ठीक है, हाइट में भी ऐसी है, काली मुर्गी आपको मैं कभी दिखाऊंगा, वो भी अभी अंडों पे बैठी हुई थी वो, ठीक है, इसलिए मैं अभी तो नहीं दिखा सकता, जैसे ये बच्चे बच्चे निकालेगी फिर दिखाऊंगा, बहुत अच्छा साइज़ बनाना चाहिए इस मुर्गी को, चाहे खुद छोटी रहेगी पर बच्चों का साइज़ इसको बनवाना चाहिए अच्छा, बाकी देखेंगे जब भी, अभी तो अंडे उंडे पे आई भी नहीं है तो क्या बोले ना। तो यार किंग यार बहुत टाइम ले रहा है यार, जब से ये आया है तब उससे पहले के इसके जो पर है ये आ रखे हैं, ठीक है, जो इसकी जो ये छोटे छोटे से पर हैं पीठ वाले गर्दन वाले, पर ये बड़े क्यों नहीं कर रहा उनको, छाती पे जो है इतना जल्दी बढ़ा क्यों नहीं रहा, मेरे को समझ नहीं आ रहा, ये बहुत टाइम ले रहा है ये। एक तो इसकी नोक ख़राब करवा दी थी यार उस दिन चीने ने थोड़ी सी आगे से, तो वो भी सेट होने में लगेगा टाइम थोड़ा सा, चलो जब तक ये सर पर हो जाएगा तब तक तो ये प्रॉपर सेट हो जाएगा, अभी शौक भी नहीं करवा सकते इसका क्योंकि सर पर भी नहीं है ना बिल्कुल भी, ना शौक तो मैं करवा देता ऐसे ही, नोक मतलब इतनी है तगड़ी, ऊपर से जो सिर्फ क्लिप होती है ना थोड़ी सी वो टूटी हुई है। तो यार अपनी स्लेटी मुर्गे के लिए करकराने लग गई, तो अभी ठीक है वाइट लेग वाले, ये देखो वाइट लेग वाले से इसको अलग किया ना, मतलब अलग भी मतलब इसको खोला है दाने खाने के लिए क्योंकि किसी के साथ झगड़ती नहीं है ना, तो इसको खोल देते हैं हम अकेले को, तो अभी ये अंदर ही है तो ये करकरा रही है प्रॉपर, तो लग रहा है कि अंडे देने लग जाएगी, ये भी जल्दी जोड़ा डाल लेगी उसके साथ, इसमें चीने का ब्लड है और अपने भाई स्लेटी का ब्लड है, तो भाई बच्चे तो आपको पता ही है फिर कैसे आएंगे वाइट लेग वाले के साथ, वो भी वो देखो कैसे करकरा रही है। तो अब शांत है ये, वाइट लेग वाला फूला हुआ है इसके साथ, ये दाना खा रही है वो पानी पी रहा है, अब सही है मेरे ख्याल से, लग जाएगी ये भी जल्दी अंडे देने ऐसे अगर वो क्रॉस करेगा तो। तो गाइस बाकी ये थी अपने आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।